हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिजिक्स फॉर टॉपर्स में। मैं हूँ चित्रा और आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन वाले प्रयोग। लेकिन इससे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और यहाँ जो इतनी मेहनत हो रही है ये आप लोगों के लिए ही है ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी करें। तो निकाल लो अपना रजिस्टर और उसके साथ में अपना हथियार, ठीक है? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ देखिए, जो आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन वाले प्रयोग है, इसको समझने के लिए पहले हम करते हैं इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जब बरसात होती है और उसके ऊपर जो हमें कभी कभी तेल गिरा हुआ मिलता है, हम जब उस सड़क से वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उस तेल में हमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं ना, स्पेक्ट्रम जैसे कलर्स दिखाई देते हैं। या इसके अलावा आप लोगों ने यूज़ किया होगा, जब हम जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें भी हम लोगों को बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, है ना। इसके अलावा अदरक की पन्नी जो होती है, पत्ती पन्नी जो होती है, उससे भी आप जब इसको सनलाइट को देखेंगे तो उसमें भी आपको कलर्स दिखाई देंगे। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो हम लोगों ने किया हुआ है क्लास के अंदर, कि जो पहले स्केल आते थे, अब तो मेरे स्केल बहुत कम यूज़ में आता है, तो वो जो प्लास्टिक का स्केल होता था उसके वो इस टाइप से होता था कि जैसे ये स्केल है ना, तो इसके दोनों साइड में तो मेज़रमेंट है और ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता था और इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता था, स्केल जिस भी कंपनी की है, तो उसमें दो लेयर्स हो जाती थी। और जब उस स्केल को हम लोग ऐसे रख के देखते थे सबको, तो हमें सब में कलर्स दिखाई देते थे, बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो देखिए, साबुन की जो पतली परत है, जो सोप बबल है उसकी जो पतली परत है, या अदरक की जो पतली पन्नी है, या हम कहें कि बारिश के दिनों में जो पानी है उसके ऊपर जो तेल की परत गिरी हुई है, वो एक्चुअल में एक परत है, मतलब एक लेयर है ना। और उस लेयर के अंदर क्या है, एक दो सरफेस है। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब में एक कॉमन बात है कि ये सारी की सारी क्या है, लेयर्स हैं। और लेयर में अपने पास में कितने हैं, दो सरफेस हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो सनलाइट जो अपने पास में वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है, ठीक है। और इंसिडेंट होने के बाद में जैसे ही ये इस लेयर के फर्स्ट सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो यहाँ से इसका जो कुछ पार्ट है लाइट का, ये यहाँ से इसमें से यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से जा करके इस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, वापस यहाँ से इसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अगेन जब ये लाइट इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट से इसका कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी कुछ पार्ट जो है वो वापस यहाँ जा करके इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, फिर अगेन यहाँ से कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो वाइट लाइट है, ये जैसे ही इस पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर क्या है, अपने पास में एक सरफेस ना होकर के एक लेयर है, दो सरफेसेस है ना। तो क्या हो रहा है, जो लाइट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट हो गया, है ना। कुछ पार्ट जो है वो लाइट का यहाँ से परावर्तित हो गया, तो ये अपने पास में है परावर्तित किरणें या रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। ये है अपने पास में परावर्तित किरणें या रिफ्लेक्टेड रेज, और ये है अपने पास में ट्रांसमिटेड रेज, या हम कहें पारगमित किरणें, है ना। ये है पारगमित किरणें, ठीक है। तो होता क्या है, आगे जाने के बाद में ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती हैं, और उस सुपर इम्पोज के थ्रू क्या होता है, हमें यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो जो वाइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, जैसे ही वो साबुन के बुलबुले पर, सोप बबल पर इंसिडेंट होती है, तो उस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये रेज आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, जिससे ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं और हमें यहाँ पर कलर्स मिलते हैं। इसी टाइप से बाकी जो बचा हुआ प्रकाश है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है
जाता है और हमें पारगमित किरणें मिलती हैं, ट्रांसमिटेड रेस मिलती हैं, जो आगे जाकर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं, अगेन वही व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं, जिससे हमें यहाँ कलर्स मिलता है। तो ठीक है, तो अपने पास में जो भी अबरक की पतली पन्नी है या तेल की परत है या हम कहें कि सोप बबल है, इन सब में क्या है, एक लेयर वर्क कर रही है, मतलब दो सर्फेसिस वर्क कर रहे हैं और उन दोनों सर्फेसिस से बाय रिफ्लेक्शन, बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना, मतलब लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से या हम कहें मल्टीपल ट्रांसमिशन की वजह से हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर कलर्स दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में ये जो वाइट लाइट इंसिडेंट हुई, इसका यहाँ से मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुआ जिससे हमें कलर्स मिले, इसी टाइप से इसका कुछ पार्ट, इस वाइट लाइट का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और उसके सुपरपोजिशन से हमें मल्टीपल कलर्स मिले। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर अपने पास में, मैंने आप लोगों को ये क्यों समझाया कि आपका जो न्यूटन वाला प्रयोग है, न्यूटन वाला प्रयोग जो है उसका हम कह सकते हैं मूल सिद्धांत है ना, या हम कहें न्यूटन वाला प्रयोग जो है वो किस पर बेस्ड है, तो हम कहेंगे वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है किस में, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ये जो अपने पास में क्या है, एक थिन फिल्म है, एक पतली परत है, एक पतली लेयर है ना, जिसमें क्या हो रहा है, जिसके थ्रू इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, या हम कह सकते हैं पतली परत में व्यतिकरण। ये अपने पास में मूल सिद्धांत है किसका, न्यूटन वाले प्रयोग का। कैसे है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो न्यूटन वाले प्रयोग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन वाले प्रयोग के अंदर आप लोगों के पास में क्या होता है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब हम कह सकते हैं एक समतोत्तल लेंस होता है इस तरीके का, है ना, और उसके साथ में नीचे एक ग्लास प्लेट होती है। मैं इसको थोड़ा सा सही बना देती हूँ, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर एक हम ग्लास प्लेट रखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास में समतोत्तल लेंस है ना, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये ग्लास प्लेट भी ट्रांसपेरेंट है। तो जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में वो लाइट जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्टेड भी होती है और ट्रांसमिटेड भी होती है। और कहाँ से रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड होती है, जब हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर नीचे एक ग्लास प्लेट को रख देते हैं तो यहाँ पर एक वायु की पतली परत का निर्माण हो जाता है ना, वायु की पतली परत बन जाती है, ठीक है, मतलब अपने पास में एक थिन फिल्म बन जाती है, एक यहाँ पर लेयर बन जाती है एयर की, जिससे यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है, जिससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। अब हम समझते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को डिटेल में। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपका न्यूटन वाले प्रयोग है उसकी प्रायोगिक व्यवस्था। तो देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक लाइट सोर्स, ठीक है, और इस लाइट सोर्स से, ये जो लाइट सोर्स है ये अपने पास में कैसा है, एक ब्रॉड लाइट सोर्स है ना, विस्तृत प्रकाश स्रोत है। तो ये जो लाइट सोर्स है इससे आने वाली ये रेज है ना, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ग्लास प्लेट को रख दिया, एक सिंपल ग्लास प्लेट है ना, एक सिंपल कांच की प्लेट है, और ये ग्लास प्लेट जो है ये इंक्लाइंड है कितने पर, 45 डिग्री पर। कहाँ से, ये जो रेज है इनके रेस्पेक्ट में, है ना, ये रेज जो है ये यहाँ पर इस पर आकर के इंसिडेंट होगी इस ग्लास प्लेट पर। तो ये ग्लास प्लेट जो है ये इन रेज के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही ये लाइट रेज आकर के इस ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होंगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, रिफ्लेक्ट होकर के ये इस साइड चली गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है, हमने क्या कर रखा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की क्या है, कि यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक ग्लास
एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को और एक ग्लास प्लेट को रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है देखिए, ये मेरे पास में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेती हूँ। हाँ देखिए, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और इसके साथ में एक ग्लास प्लेट रखी हुई है ना। ये अपने पास में एक ग्लास प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये सेंटर से दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है। पॉइंट कांटेक्ट में मतलब ये दोनों यहाँ टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ टच करने की वजह से क्या होगा, यहाँ मेरे पास में एक एयर फिल्म बनेगी, है ना। मतलब एक वायु की पतली परत बनेगी, है ना। कैसी परत बनेगी, वो वेव शेप्ड होगी। वेव शेप्ड कैसे, मतलब हमारे पास में ऐसी परत नहीं होगी, है ना, जिसमें दो सरफेस हों। उसमें भी दो सरफेस तो होंगे, लेकिन फर्स्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस यहाँ से कुछ एंगल से इंक्लाइंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि वायु की जो पतली परत है ना, वो पतली परत जो है इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इस ग्लास प्लेट के मिड में बन रही है, वो थिन फिल्म। और उस थिन फिल्म में ये एंगल है कितना, थीटा। ऐसे ही वायु की पतली परत जो है वो इस साइड भी बन रही है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये जो ग्लास प्लेट है, इन दोनों के मिड में यहाँ एक थिन फिल्म बनेगी, है ना। लेकिन वो थिन फिल्म कैसी है, वेज शेप्ड है। मतलब जो लेयर है, एक लेयर मतलब एक जो सरफेस है उस पर दूसरा सरफेस जो है वो इंक्लाइंड किया हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये रेज जो हैं ये जाएंगी और ये क्या करेंगी, जो वायु की पतली परत है उस पतली परत के पहली परत पर जाएंगी, है ना, फर्स्ट सरफेस पर जाएंगी। तो उस फर्स्ट सरफेस से ही यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन सारा पार्ट तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब क्या होगा, इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद में ये जो अपने पास में थिन फिल्म है, इसका जो नीचे वाला सिरा है, ये जो नीचे वाला सरफेस है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज आ गई। कुछ पार्ट इसका यहाँ से ट्रांसमिट भी हो जाएगा, है ना। अभी मैं इस डायग्राम में बना नहीं रही हूँ वो। अब सेम यहाँ से भी ये होगा कि कुछ पार्ट जो है वो जो लेयर है उसका जो फर्स्ट सरफेस है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और लाइट का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से जो ग्लास प्लेट है उसके सेकेंड सरफेस से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को, ये लेयर्स क्या करेंगे, आगे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी। तो जब हम यहाँ से माइक्रोस्कोप के थ्रू, है ना, माइक्रोस्कोप के थ्रू यहाँ इसमें देखेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट में देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अगर हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कलर्स मिलेंगे, और अगर हम सिंपल सोडियम लाइट, येलो कलर की लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी पैटर्न तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें कलर्स नहीं मिल करके ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो ये है आपके पास में एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। हम लोग एक लाइट सोर्स लेते हैं, उस लाइट सोर्स से आने वाली किरणें जो हैं वो इस 45 डिग्री पे झुके हुए सिंपल ग्लास प्लेट पर, एक सिंपल कांच की प्लेट पर आपतित होती हैं, इंसिडेंट होती हैं। इंसिडेंट होने के बाद में इससे परावर्तित होने वाली किरणें कहाँ गिरती हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट पर गिरती हैं। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक समतोत्तल लेंस और ग्लास प्लेट के मध्य बनने वाली जो वायु की परत है, इस वायु की परत के द्वारा होने वाले मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू, है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होता है, हमें एक व्यतिकरण प्रतिरूप मिलता है, या हम कहें मल्टीपल ट्रांसमिशन के थ्रू, क्योंकि इसमें से लाइट का कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट भी होगा। उसको भी हम क्या देखेंगे, हम उसको भी हम यहीं से देखेंगे माइक्रोस्कोप से। तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, और ट्रांसमिशन की वजह से भी हमें यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, जिसको हम किसके थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप की तरह देखते हैं। तो हमें जब एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएगा तो हमें किस टाइप से लिखना है, देखिए एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे लिखना है, न्यूटन वाले प्रयोग में हम एक विस्तृत प्रकाश स्रोत लेते हैं, है ना, ये हमने एक लाइट सोर्स ले रखा है, और जिससे एक समतल कांच की प्लेट पर प्रकाश आपतित करते हैं। ये समतल कांच की प्लेट है, इस पर हमने प्रकाश को आपतित किया है जी पर, जो कि चित्र के अनुसार 45 डिग्री पर झुकी हुई है ना, 45 डिग्री पर हमने इसको इंक्लाइन कर रखा है, ये जो लाइट आ रही है इसके रेस्पेक्ट में। आप यहाँ मेंशन कर लेना ये कितना है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। जिससे समतोत्तल लेंस
पर प्रकाश अभिलंबवत आपतित किया जा सके। एक्चुअल में हम ये ग्लास प्लेट क्यों लगाते हैं, ये ग्लास प्लेट इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास में जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उस पर मैक्सिमम लाइट आए और वो सारी लाइट को रिसीव कर ले, और इस पर ये लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो, अभिलंबवत आपतित हो। मतलब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट इस तरीके से स्ट्रेट आनी चाहिए ना, अभिलंबवत आपतित होनी चाहिए। तो प्लेट से परावर्तित प्रकाश जब वायु की पतली परत कहाँ बन रही है, ये जो मेरे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, समतुत्तल लेंस और ग्लास प्लेट के मध्य ये बन रही है ना। तो हमने लिखा समतुत्तल लेंस तथा कांच की प्लेट पी के मध्य, यहाँ दो कांच की प्लेट है, 45 डिग्री पर जो झुकी हुई है वो तो कौन सी प्लेट है, वो है जी, और जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के साथ में ली है नीचे ग्लास प्लेट वो कौन सी है, वो कांच की प्लेट है पी। पी के मध्य प्रकाश आपतित होता है, और तो पतली परत जो वायु की पतली परत बनी हुई है, जो एयर फिल्म बनी हुई है उसको हम मतलब फिल्म भी बोलते हैं, पतली परत भी बोलते हैं। वायु की फिल्म से परावर्तित किरणों के द्वारा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, और उस व्यतिकरण प्रतिरूप को हम किस में देखते हैं, हम यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं, सूक्ष्मदर्शी के एम के द्वारा देखा जा सकता है। हाँ देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि हमें न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें व्यतिकरण प्रतिरूप किस प्रकार का प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देती हूँ व्यतिकरण प्रतिरूप। देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेते हैं, हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं है ना, और उसके साथ में लेते हैं हमें ग्लास प्लेट, ये हमने ले ली यहाँ एक ग्लास प्लेट। देखो जैसे हर कहानी का एक पात्र होता है ना, और पूरी कहानी उसके चारों ओर ही घूमती रहती है ना, ऐसे ही अपने पास में जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है ना उसकी पूरी कहानी किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है किस पर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट पर। जैसे हम व्यतिकरण के लिए हम न्यूटन्स रिंग के लिए कहते हैं कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एकदम हमारे दिमाग में आ जाता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, पतली परतों में व्यतिकरण। तो उसी टाइप से अपने पास में जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा या जो भी चीज़ें होंगी वो किस पे बेस्ड हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के कॉम्बिनेशन पे। क्या होता है, यहाँ सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट का, ये एक दूसरे को टच करते हैं है ना। तो टच करने से क्या होता है कि जो वायु की पतली फिल्म है वो यहाँ तक तो बन रही है, लेकिन यहाँ जाने अगर मैं लूँ कि वायु की पतली फिल्म की इस पॉइंट पर मोटाई जो है वो कितनी है T1 है, और इस पॉइंट पर कितनी है, ये सपोज़ किया मैंने TN है ना। ऐसे ही मैंने सपोज़ कर लिया कि वायु की पतली फिल्म जो है उसकी इस पॉइंट पर मोटाई है T1, और यहाँ इस पॉइंट पर है कितनी है TN। तो यहाँ सेंटर में क्या हो रहा है, जो वायु की पतली फिल्म है, जो एयर फिल्म है, उसकी मोटाई यहाँ हो गई 0। पास में जो पैटर्न बनता है, जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इन दोनों के पॉइंट कॉन्टेक्ट होने की वजह से, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के पॉइंट कॉन्टेक्ट की वजह से, यहाँ वायु की जो पतली परत है, जो थिकनेस है उसकी, वो ज़ीरो हो जाती है। और ज़ीरो होने से क्या होता है कि मुझे जो सेंटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप में डार्क मिलेगा। ठीक है, वो कैसा मिलेगा, डार्क मिलेगा। अब जब हम सेंटर से दोनों साइड जाते हैं तो दोनों साइड जाएंगे तो दोनों साइड कैसा है, वृत्तीय सममिति है, सर्कुलर सिमेट्री है, ऐसा ही है ना, दोनों साइड क्या है, वृत्तीय सममिति है ना। जैसे मैं सेंटर से सपोज़ किया यहाँ तक ए डिस्टेंस तक गई, तो वायु की पतली परत जो है उसकी मोटाई कितनी है T1, और अगर मैं इस तरफ भी ए दूरी पर गई तो यहाँ पर भी पतली परत की मोटाई कितनी है T1। तो यहाँ इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेज़ हैं और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेज़ हैं उनसे बनने वाली जो फ्रिंजेस हैं उनके लिए अगर मैं बिंदु पथ लेती हूँ तो यहाँ मुझे एक फ्रिंज मिलती है। ठीक है, यहाँ मुझे एक फ्रिंज मिलेगी और इनके लिए यहाँ मुझे एक फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में फ्रिंज कैसी बन रही है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स का बिंदुपथ ले लूँ, सारे का लोकस ले लूँ, तो यहाँ मेरे पास में फ्रिंज कैसी बनेगी, वृत्ताकार बनेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सेंटर पॉइंट से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जैसी स्थिति होगी एकांतर क्रम में, हमें वो उस स्थिति के अनुसार एकांतर क्रम में अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। जैसे यहाँ से इस पॉइंट से लेती हूँ मैं तो यहाँ भी मुझे फ्रिंज मिलेगी। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन वलय प्रयोग जो है उसमें हमें व्यतिकरण प्रतिरूप कैसा मिलता है, हमें वहाँ पर वलय मिलती हैं। क्या मिलती हैं, वलय मिलती हैं, मीन्स रिंग्स मिलती हैं है ना। हमें जो फ्रिंजेस मिलती हैं उनका शेप कैसा होता है, उनका शेप सर्कुलर होता है।
ठीक है ना, उनका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, और मैं इस व्यतिकरण प्रतिरूप को थोड़ा अच्छा सा बना देती हूँ, है ना। ये बहुत गंदा का डायग्राम बनाया, हाँ देखिए ये बना लिया मैंने डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप है, इसमें जो जैसे ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो फ्रिंजेस हैं इनके बीच का अंतराल कम होता जाएगा और ये एक दूसरे के पास आती जाएंगी, है ना। जैसे जैसे हम सेंटर पॉइंट से बाहर जाएंगे, फ्रिंजेस जो हैं वो एक दूसरे के पास आती जाएंगी। तो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो इस टाइप का बनना चाहिए जिसमें फ्रिंजेस पास आती जाएँ। अब देखिए हमें एग्जाम में लिखना कैसे है, समतुत्तल लेंस तथा कांच की प्लेट जी के मध्य, है ना। ये समतुत्तल लेंस और ये कांच की प्लेट, इसको P कर लेते हैं, हमने P किया था ना, सॉरी ये P है, ये लेंस L है ना। P के मध्य वायु की फनाकार या वेव शेप्ड, है ना, ये वेव शेप्ड फिल्म है, ये एंगल थीटा बन रहा है ना। वेव शेप्ड फिल्म में वृत्तीय सममिति होने के कारण उन बिंदुओं का बिंदुपथ, ये सेंटर पॉइंट से हम जाएंगे तो यहाँ हमें वृत्तीय सममिति मिलेगी, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहाँ फिल्म की मोटाई समान है, जैसे मैंने यहाँ लिया था T1, तो वहाँ हमें, है ना, फ्रिंज की मोटाई समान है, वहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रिंजों का शेप कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रिंजों, है ना, फ्रिंज का आकार, यहाँ कर लेना आप, फ्रिंज का आकार कैसा मिलता है हमें, फ्रिंज का आकार वृत्ताकार होता है। इसलिए न्यूटन वाले प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में वलय हमें क्या प्राप्त होता है, फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं ना। वो फ्रिंजेस कैसी होती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं, रिंग्स में होती हैं, और ये फ्रिंजें फिल्म में बनती हैं। मतलब अगर ये मेरे पास में ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, तो मैं उसको माइक्रोस्कोप से ऐसे देख सकती हूँ, क्योंकि वो कहाँ बनेगी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में और ग्लास प्लेट के मिड में, ये जो फिल्म है इस फिल्म में बनेगी, है ना। तो फ्रिंजेस जो हैं, ये फ्रिंजें फिल्म में बनती हैं, इसीलिए इनको स्थानीय फ्रिंजें भी कहा जाता है, लोकलाइज फ्रिंजेस भी बोलते हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो है, उसके हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके क्या क्या यूजेस हैं पहले हमें उनको देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ यूजेस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ क्या है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का, देखिए जो न्यूटन्स रिंग के अंदर आप जो लाइट सोर्स यूज़ में लेते हैं, यदि आपको उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी हो, आपको उसका वेवलेंथ डिटरमाइन करना हो, तो उसके लिए आप न्यूटन्स रिंग को प्रयोग में ले सकते हैं। तो फर्स्ट यूज़ क्या है कि इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दिए गए प्रकाश स्रोत की या उस प्रकाश की, है ना, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास में हो गया प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, सेकंड है यदि आपके पास में कोई इस टाइप का किसी टाइप का लिक्विड मीडियम है, जैसे ऑयल है अपने पास में, तो उसका यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी हम न्यूटन्स रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि किसी, है ना, लिक्विड मीडियम मीन्स हम कह सकते हैं द्रव का, है ना, किसी द्रव का अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक ज्ञात करना म्यू को डिटरमाइन करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर फार्मूला होना चाहिए जिसके थ्रू हम इनको कैलकुलेट कर सकें। तो उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा, उस इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस हैं, उनके लिए हम कंडीशंस निकाल लेते हैं, उसके थ्रू हम इन फॉर्मूलाज को डिराइव कर लेंगे। मैं हेडिंग डालती हूँ यहाँ पे परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय, ठीक है।
तो सबसे पहले डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उनकी कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ हमने ले लिया ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक मिनट, देखिए ये मैंने लिया एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इसके साथ में मैंने यहाँ ले लिया एक ग्लास प्लेट को, ये मैंने ले लिया ग्लास प्लेट को और ये दोनों सेंटर से एक दूसरे से पॉइंट कांटेक्ट में है ना, एक दूसरे से टच हो रखे हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ पॉइंट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ से मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद में ये कहाँ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा और इस साइड लेती हूँ, डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ये मैंने लाइट रे को यहाँ ले लिया, अब ये लाइट रे जो है ये आकर के यहाँ इंसिडेंट हुई, किस पॉइंट पर, ये इसको ले लेते हैं हम ए पॉइंट ले लेते हैं ना, ए पॉइंट पर। तो ये जो अपने पास में वायु की फिल्म है इसके ए पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है ना, कुछ पार्ट लाइट का यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ चला गया, ठीक है। और अब इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट था लाइट का वो कहाँ गया, वायु की फिल्म के सेकेंड वाले सरफेस पे, और फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से चला गया। सपोज़ किया ये बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे है R1 और ये है रिफ्लेक्टेड रे R2, ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे जिससे मुझे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो जब भी हमारे पास में परावर्तित किरणों के द्वारा व्यतिकरण होता है ना, यदि मेरे पास में इस वायु की फिल्म के द्वारा व्यतिकरण होगा तो यहाँ पर प्राप्त होने वाली जो किरणें R1 और R2 हैं इनके मध्य पथांतर है ना, प्राप्त होने वाली जो परावर्तित किरणें हैं R1 तथा R2 के मध्य पथांतर, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, और ये डेल्टा कितना होता है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, कितना होता है 2μt cos of थीटा प्लस आर। हाँ देखिए यहाँ अपने पास में R1 और R2 के मध्य पथांतर कितना आ गया, पथांतर डेल इक्वल्स टू, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, डेल इक्वल्स टू 2μt cos थीटा प्लस आर। तो यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले म्यू क्या है, आपको जो वायु की फिल्म दी हुई है उस फिल्म का अपवर्तनांक है ना, फिल्म का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। टी जो है अपने पास में क्या है, ये जो वायु की फिल्म है इसकी मोटाई है ना, मैं यहाँ कर देती हूँ फिल्म की मोटाई, लेकिन ये मोटाई कैसी है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर मेरे पास वायु की फिल्म इस टाइप से होती तो मेरे पास में टी कैसा होता, कांस्टेंट होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से सेंटर पॉइंट से आउटसाइड में टी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है अपने पास में फान कोण, फान कोण कैसे, फान कोण, यहाँ पर हमारे पास जो फिल्म है वो कैसी है, वी शेप्ड फिल्म है ना, ऐसे है और फिर ऐसे है, तो ये कोण जो है वो कितना है, थीटा है। ये सेंटर पॉइंट अपने पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, ये ग्लास प्लेट और इसके बीच में ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा फान कोण है। इसके साथ साथ में आर क्या है, आर अपने पास में यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल है ना, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब देखो आप लोग, हाँ देखिए यहाँ आपके पास में R जो है वो ये परावर्तन कोण है, ठीक है। अब अगर मेरे पास में यहाँ पर जो वैल्यू है cos थीटा प्लस R, इसमें थीटा फान कोण जो है ये बहुत ही स्मॉल सा हो, बहुत माइन्यूट सा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम थीटा को इग्नोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो आपका रिफ्लेक्शन एंगल R है वो किस टाइप से है, कि ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और लाइट ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है ना, जब नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो अपने पास में क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
नियर अबाउट जीरो, ये नियर अबाउट जीरो होगा तो अपने पास में कॉस ऑफ थीटा प्लस आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कितना आ जाएगा, डेल इक्वल्स टू 2 μ t। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ जो अपने पास में वायु की फिल्म बनती है, इससे परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं R1 और R2, उनके मध्य पथांतर किस पे निर्भर करता है, एक तो निर्भर करता है फिल्म के अपवर्तनांक पर और दूसरा निर्भर करता है कि फिल्म की मोटाई क्या है। हाँ देखिए कितना आया अपने पास में, डेल इक्वल्स टू 2 μ t। और यहाँ पर क्या है, ये जो वायु की फिल्म है इसका थिकनेस वेरी कर रहा है, जैसे हम सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये जो थिकनेस है ये थिकनेस क्या कर रहा है, यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं डेल इक्वल्स टू 2 μ t n, मतलब हमारे पास में वैल्यूज हो जाएंगी T1 T2 T3, जो भी पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग T जो है वो चेंज होता जाएगा, वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं, यदि मेरे पास में जैसे सपोज़ किया कोई भी मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, जैसे ये मेरे पास में वायु की फिल्म है और ये इसका एंगल थीटा है, ठीक है। सपोज़ किया ये पॉइंट है मेरे पास एक, जिस पर वायु की फिल्म की मोटाई कितनी है, TN है। अब इस पॉइंट से, इन पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाली जो किरणें हैं उनसे बनने वाला जो व्यतिकरण प्रतिरूप है, उनसे मेरे पास में बनने वाली जो फ्रिंज है वो दीप्त होगी या अदीप्त होगी, ठीक है, उसको मुझे कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये जो किरण R1 है, किरण R1 जो है ना, उसके लिए देखो, उसके लिए फर्स्ट मीडियम तो कैसा है, सघन माध्यम है ना, डेंसर मीडियम है। और सेकंड, जहाँ जिस वायु की परत से वो रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ वायु है तो वायु कैसा है, विरल माध्यम है ना। सेकंड मीडियम कैसा है, विरल है, तो विरल माध्यम से वो रिफ्लेक्ट हुई है ना। अब हम लेते हैं R2 ray, R2 ray जो है उसके लिए क्या है, फर्स्ट माध्यम तो कौन सा है, वायु की फिल्म, और सेकंड कौन सा है, ग्लास प्लेट। तो जो सेकंड वाली किरण है R2, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये R2 यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये जो अपने पास में है, फर्स्ट तो है इसके पास में वायु की फिल्म, और सेकंड वाला मीडियम कैसा है, ग्लास प्लेट है, जो कैसा है, सघन माध्यम है। तो जब अपने पास में R1 के रेस्पेक्ट में R2 जो है वो सघन माध्यम से परावर्तित होगी, यहाँ तो विरल माध्यम था R1 के लिए है ना, जब सघन माध्यम की वजह, जब R2 जो है वो सघन माध्यम से परावर्तित होगी तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा पथांतर ऐड हो जाएगा, कितना, प्लस λ/2, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि यदि R1 और R2 के अध्यारोपण से बनने वाली फ्रिंज कैसी हो, दीप्त फ्रिंज हो, पहली कंडीशन ले ली हमने, कैसी हो, अगर दीप्त फ्रिंज हो है ना, तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर है कितना, 2 μ t n प्लस λ/2, किसके इक्वल होना चाहिए, n λ के इक्वल होना चाहिए, तो हमने यहाँ पुट कर दिया n λ, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया, 2 μ t n इक्वल्स टू n λ माइनस λ/2, या हम इसको कह सकते हैं 2n-1 λ/2 है ना। तो मैं अभी इसको यहाँ से हटा के ऐसा लिख देती हूँ, 2 μ t n इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। ये अपने पास में एक असेंशियल कंडीशन आ गई, एक आवश्यक प्रतिबंध आ गया, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। जब भी मुझे दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन डिटरमाइन करनी है, अगर मुझे म्यू दिया हुआ है, TN दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन से जो जिस नंबर की फ्रिंज है वो रख के मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में अगर सपोज़ किया कि जिस TN मोटाई जिस पॉइंट पर है वहाँ अगर अदीप्त फ्रिंज बनती है, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए कितना होना चाहिए, एक्सप्रेशन कितना था, 2 μ t n प्लस λ/2। और अदीप के लिए हम क्या कहते हैं, जो पथांतर है वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2n+1 λ/2। अब ये प्लस λ/2 और प्लस λ/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2 μ t n इक्वल्स टू 2n और λ/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा, n λ। तो ये कंडीशन मेरे पास आ जाएगी, 2 μ t n इक्वल्स टू
एन लैम्डा, ये कंडीशन आ गई किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो आपके पास में जो न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें जब दीप्त फ्रिंज बनेगी, जब दीप्त फ्रिंज बनेगी तो अपने पास में कंडीशन कितनी आएगी, पथांतर 2 μTn, है ना, किसके इक्वल आएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2 के। और जब अदीप्त फ्रिंज बनेगी तब किसके इक्वल आएगा, एन लैम्डा के। जबकि हम लोग जब इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी संपोषी व्यतिकरण होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस कंडीशन में अपने पास में कितना आता है, एन लैम्डा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या विनाशी व्यतिकरण होगा तब कितना आता है, 2n-1 लैम्डा बाय 2। पर न्यूटन्स रिंग जो है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, परावर्तन देखते हैं, तो परावर्तित किरणों से बनने वाला जो व्यतिकरण प्रतिरूप है उसमें कंडीशन अपोजिट आएगी। यहाँ पर दीप्त फ्रिंजों के लिए तो आएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, है ना, और जो अदीप्त फ्रिंजें हैं उनके लिए आएगा एन लैम्डा। ये दोनों कंडीशंस हमने डिराइव कर ली। एक्चुअली टॉपिक है ज़्यादा लेंदी तो ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा, मैं इसका एक सेकंड पार्ट 2 भी बनाऊंगी न्यूटन्स रिंग का। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को अगर आप मेरे और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।